महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महकता आंचल और महकता आंचल की आज की कड़ी में सुधा की डायरी का दूसरा पन्ना मैं आप सब लोग के साथ साझा करूंगी, जिसमें सुधा लिखती है, आज मैं अपनी रिसर्च के लिए गांव के नज़दीकी अस्पताल में गई थी। शहर में सुविधाएं हैं तो वहां की महिलाएं अस्पताल जाकर अपना इलाज स्वयं कर लेती हैं, लेकिन पहाड़ में अस्पताल का मतलब 80 किलोमीटर दूर शहर हल्द्वानी है, जहाँ आने जाने में ही पूरा एक दिन लग जाता है। और दूसरी तरफ शहर तो शहर है, पहाड़ की महिला अकेले शहर में जाकर अपना इलाज करा ले, ये न तो महिला खुद पसंद करती है और न ही परिवार के लोग, और ऊपर से अस्पताल का झंझट वो अलग से। इसीलिए कई महिलाएं अपने स्वास्थ्य में आ रही रुकावटों को खुद ही तिल तिल कर सहन कर लेती हैं। एक और दूसरी चीज़ मैंने गाँव में देखी, वहाँ के स्थानीय कलाकार भी महिलाओं के इस दुख को खूब समझते हैं और लोकगीतों में उनका दुख कुछ इस प्रकार बयां होता है।
दोस्तों, मैं जिस काम और अध्ययन के लिए कुमाऊं के इस आंचल में आई थी, वहां मैंने महिलाओं के स्वास्थ्य पर काफ़ी अध्ययन किया और इस 3 माह के सफ़र में मैंने जो भी किया वो दिल से किया। मुझे महिलाओं के स्वास्थ्य में शहर की अपेक्षा कम बीमारियां नज़र आई, जो कि एक खुशी का विषय भी था, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, सजगता मुझे कम मिली। मेरे अध्ययन में कई महिलाओं को गंभीर बीमारियों से अपने जीवन को खत्म होते देखा, जिसकी वजह से बीमारी की समस्या को गंभीरता से लेना था। और मैं विश्वास करती हूँ कि अब पहाड़ की महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग जरूर होंगी। वो छोटी छोटी बीमारियां, समस्याओं को डॉक्टर के साथ बांटती होंगी और समाधान लेकर अपने परिवार और खुद के लिए सजग होंगी। कई परिवारों के पुरुष भी आज महिलाओं की छोटी छोटी समस्याओं को डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेकर जागरूक हो रहे हैं, जो हिंदुस्तान के समाज में कुमाऊं का पहला योगदान है। मुझे आज खुशी है पहाड़ की महिलाएं काम के साथ साथ पारिवारिक व स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं। मुझे ये बात तब पता चली जब मैं एक महिला से मिली, उनसे की गई मुलाकात और वो बातें। दीदी, आज मैं आपको थोड़ी बड़ी बहुत सारी बातें करने ही कह रही हूँ, जिसके मैंने पहले ही बता, मैं कुछ खासकर महिलाओं स्वास्थ्य पर या बातचीत करने ही पहुँच रही हूँ। तो क्या आज और पहली जो स्थितियाँ थी स्वास्थ्य संबंधी, उनमें कदम बदलाव फोकर लगूँ, क्या आज महिलाएं अपन स्वास्थ्य के प्रति सजग छ या नित हैं, अफू के क्या लगूँ, खुद अफू की करछा अफू अपन अनुभव बांटला मेरे साथ में। हाँ, तो पल्यागू में और आजाऊ में बहुत अंतर होगा। आप महिलाएं बहुत ध्यान दिन पड़ गए थे अपन, मैं ये सोचे क्या कहने, आप बहुत ध्यान दियो पल्ली क्या लह छो, तो वो बहुत लापरवाही बरतो छू, मैं ध्यान नहीं दी छू, क्या लह जा छोड़ा यार, फिर ये तो होते रहो सोच नहीं रहा। अब मैं सोचो यार ये तरचूर हर छो आयल ये धीरे धीरे, अगर मैं ध्यान नहीं दिल बहुत ठूल हो जाल। हमार पड़ोस में ऋतु एक बार ऐसा कि या कोई महिला थी हुई हाथ में के कोई विषैले कार बुढ़ पड़ा बोले जनों कौश हुआ, तो उन्होंने पहले बहुत लापरवाही बरती दिखाने, और फिर धीरे धीरे अब झाड़नों करनों झाड़ पोस में लग गई हूँ। बाद में दिखा जब वो बहुत ही क्या कहने गंभीर दशा में पहुँच पड़ा, कुछ या इनोखना दिखा उन्होंने उइला ठीक नहीं हुए, उनमें चीरा वगैरह लगा, उनमें मेवार निकाला, धीरे धीरे फिर हल्द्वान गई हुई देखो उनके थोड़ा सा वही तिल्ली में बुढ़ रही, तो थोड़ा सा टुक में काट उइला ठीक नहीं है, फिर दूसरा ऑपरेशन हुआ थोड़ा मेल मेल का काट, तीसरे बाद फिर पूरी तिल्ली निकाली हुई, और तो पहले जब वो क्या कहने मतलब कैंसर रूप लिया तो जब पूरी गांठ निकाली तब जब हुई ठीक हो। अब वो महिला बहुत परेशान रहे हुई, काम हाम करे सा हाथ में बहुत दर्द हो जा, तो वो देख भी लागू कि यार हम अपन थोड़ा सा कुछ हो सबसे पहले वो देख लें चाहिए, तो क्या कहने घर दवा पानी नहीं करें चाहिए, डॉक्टर पास जान चाहिए, वो दिखा लें चाहिए। आज क्या कहने पल्ला दिनों में आधे दिन में बहुत अंतर होगा। आज तो बहुत क्या कहने जानकारी मिलना चाहिए स्वास्थ्य के बारे में, के कुछ डॉक्टरों द्वारा ट्रेनिंग दी जन रहे, और क्या कहने एनम छे आशादाई छे रेडियो वाले दिन रहे, रेडियो में तो प्रोग्राम चल रही, तो वो देख भी लागू कि यार हम या उन्हें बातों को सुन भी हमेशा पल्ले सबसे पहले अपन स्वास्थ्य ध्यान दें चाहिए, पहले हम अगर अपन स्वास्थ्य ध्यान दिल तो हम परिवार में सबको ध्यान दे सकूँ, और जो इतु जानकारी मिलना है तो लोगों बटी जानकारी मिली उल हमारे स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ना, और हम बहुत जागरूक होने रही हूँ, बहुत असर पड़ना उल। अपनी रिसर्च के दौरान मैं स्थानीय महिलाओं पुरुषों के साथ साथ ही मैं वहाँ के डॉक्टर से भी मिली, और मैंने उनसे इस विषय पर बात करना सही समझा कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने परिवार के प्रति कितनी सजग हैं। आज हम महिलाओं को देखना, हम गांव में जाना का आशा कार्यकर्ता था, तो पहले एक बजे आज महिलाएं अपन स्वास्थ्य प्रति को तो जागरूक छेन, आपको क्या लगे हम के थोड़ा सा बात मतलब अपन अनुभव हमारे साथ बांटला। हाँ ऋतु, जरूर बांटूल, हम को ये में यश लागू कि पहले तो ये तो गांव में का कोई सुविधा नहीं थी, गाँव में जब सुविधा है कि आशा बनी बाद महिलाएं अपन जो पहले आशा करने में बताल महिलाओं को कि यश हूँ स्वास्थ्य प्रति कोई ले चीज है महिलाओं को बता, तो फिर महिलाएं खुद है कि आशा के पूछने कि ये मैं कौश हूँ कि करण चैन जिसका हम डिलीवरी पर लीनो फर्स्ट में पंजीकरण हूँ, तो मैं टीक लागने पहले तो टीक लेने लगू छी, ये सुविधा ले नहीं थी कभी कोई लगा ले लो, बिहार के हॉस्पिटलों में जान पड़ने बहुत दूर, अब खुद आशा घूमे छूँ और एनएम सचें, तो वो टीकाकरण में
पूछने कि दीदी कब टीक लागू कब खुदा पूछने पहले खुदा हमूल ही नहीं लगा टीक हम अपनी बात करूँ कि हमूल नहीं लगाए आप तो यही छे कि महिलाएं पूछने कि कब लागने कबेर उनको यह पता छे कि दुई टीक जरूरी लगन छे हमूल फिर टीक बात है अल्ट्रासाउंड हूँ अल्ट्रासाउंड करना दीजी ला पूछने कि कब लागू बताने तो हमने भैया उनके तो खुदा ये तो मतलब अफ में वो छे जागरूक टाइप ऑफ है कि कोई महिला कोई तो नहते कोई छे फिर ले तो पूछने हमको खुद कोना मतलब से कि पहले बजाय आज सुविधाएं ज्यादा छे तो लोग जागरूक रह गए जी, हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक दीदी तला और छन उनथला हम बात कर लेनु नमस्कार दीदी अपन नाम नमस्कार रितु मेरा नाम खष्टी छ आप कुवाल गांव में आल आशा कार्यकर्ता छ रितु मैं ग्राम सभा सुनका में अच्छा तो आप बताला अपन गांव में काफू की लागू के लिए कि आप आए दिन गांव में घूम छ और आए दिन महिलाओं साथ में के मीटिंग अपन है छे खासकर एसएचजी ग्रुप जो हमारे बने उन में हमारी मीटिंग है छे तो महिलाएं पहले बजाय आज कदू अपन स्वास्थ्य प्रति जागरूक छे ऋतु मैं शुरू में बताऊँ जब मैं आशा बनी हूँ तब के करने मैं अपन बात करूँ जब मैं गाँव में टीका लीजिए कौन गई हूँ तो गर्भवती महिलाएं तब बतो छीन तक ने कि पाँच छः महीने हो जी छी हम में गर्भवती छः में टीक लगल कबीर तक ने बतो छीन उतु गुजर सोचू फिर बाद जब गई धीरे धीरे पहले स्वनिपित छी और काम केहन पकड़ होने मैं महिलाएं मतलब बतौन लेने नहीं टीक लगोना लीजिए लेने नहीं फिर जब धीरे धीरे उनमें का वह जो मीटिंगों में हमको जानकारी मिली गाँव में बताई तो आप महिलाएं खुद कने की टीक लागे कबीर और अपन नंतिनाक लगो ने और पहले महिलाएं बतौने लगे भैन जिसके कि आप कई लहूचा परेशानी लहूचा तो दवा एक बार में पूछ लेने और फिर जो चीज़ हमको नोन वो एक बार में डॉक्टरों के पूछ ला दिया करने फोन करने मतलब बहुत लगाव जाए शुरू महिलाओं के बहुत जागरूकता छो पहले आप बजाय मतलब आप नू नल्ले कई हुए कत के कटो वो एक बार में कई ला परेशानी हुई अपन अंदरूनी परेशानी सब बात हो गए हमको बताए शेयर करना हम जब मैंने उनसे बात की तब जाके मेरा विश्वास सही साबित हुआ डॉक्टर की बात से मैं संतुष्ट तो हुई थी पर कहीं ना कहीं मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी क्योंकि डॉक्टर उन्हीं की बात कर रहे थे जो महिलाएं उन तक पहुंच पाती हैं तो मुझे ऐसे में एक ख्याल आया मैं स्वास्थ्य को लेकर मुक्तेश्वर क्षेत्र में तो आई हूँ गाँव में जाकर महिलाओं से भी मिली हूँ तो क्यों ना एक बार गाँव की आशाओं से मुलाकात की जाए इसलिए मैं निकल पड़ी बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर और वहाँ की आशाएं भी बहुत जागरूक मुझे लगी।